आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव के तहत रेलवे सुरक्षा बल पूर्व रेलवे मालदा डिवीजन भागलपुर के द्वारा रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव के तहत रेलवे सुरक्षा बल पूर्व रेलवे मालदा डिवीजन भागलपुर की ओर से लगातार जन सेवा, श्रमदान, वृक्षारोपण, स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी बाबत आज रन फॉर यूनिटी के तहत देशवासियों एवं युवाओं को देशभक्ति एवं एकता के लिए जागरूक करने का कार्यक्रम रेलवे सुरक्षा बल पूर्व रेलवे मालदा डिवीजन भागलपुर द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मालदा मंडल भागलपुर के कई कर्मचारी और अधिकारी मौजूद थे। आजादी का अमृत महोत्सव जो 75वां चल रहा है उसके दरमियान बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग का चल रहा है पिछले एक महीने से। 15 अगस्त को उसकी समाप्ति होगी। उसी उपलक्ष्य में हम लोग जल सेवा, ये श्रमदान और वृक्षारोपण बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। उसी के दरमियान एक ये भी हम लोग का प्रोग्राम है रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी के तहत हम लोग सभी लोगों को जागरूक करते हैं यूनिटी के लिए, देशवासियों को, युवाओं को। इसी के तहत हम लोग अपने फोर्स के जितने भी मेंबर हैं उसको लेकर के आए हैं। रन फॉर यूनिटी करेंगे सभी जगह पे, सभी को जागृत करेंगे देशभक्ति की भावना को। और 15 अगस्त में जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है उसके लास्ट में जो प्रोग्राम समाप्ति होगा उसी में एक भी प्रोग्राम है रन फॉर यूनिटी जी। और इसके आगे कुछ प्रोग्राम, इसके आगे हम लोग का प्रोग्राम अभी चलते रहेगा, जल सेवा, वृक्षारोपण अभी लगातार चलते रहेगा। स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का भी प्रोग्राम है, वो तो डीआरएम साहब आए थे उसी समय हम लोग कर दिए थे। हर डिवीजन में पूरे देश में ये चल रही है, रन फॉर यूनिटी, वृक्षारोपण, श्रमदान, बाइक रैली। हमारी बाइक रैली ऑल इंडिया में भी चल रही है, दिल्ली पहुँचने वाली है। हर जोन से हमारे यहाँ से भी गए हैं, मालदा से, कलकत्ता से, और दिल्ली में जा करके फिर लास्ट में उनको वहाँ पर सम्मानित किया जाएगा।